केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने में कुछ ऐसा है। इसमें ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रही है ना, यूं इनको हम कहते हैं पीरियड्स। और ये आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, यूं ऊपर से नीचे की तरफ जो कॉलम्स, इनको हम कहते हैं कॉलम्स या ग्रुप्स। जिस तरह हम एक कहते हैं कि ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोज हैं हमारे पास, यानी 7 हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं, यानी 7 पीरियड्स। और इसके साथ साथ हमारे पास 1, 2, 3, 4, और अगर इन सबको आप टोटल काउंट करो तो 18 ग्रुप्स हैं आपके पास। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करता है, जो कि बेस्ड है एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, एटॉमिक नंबर। अब जैसे कि आपको पता होगा एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो जितने किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, यानी आप इसके अंदर जो एलिमेंट्स देख रहे हो लाइक हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट नंबर पे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब बेसिकली एक रेगुलर पैटर्न में लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, और इसी तरह ये आप सीक्वेंस के अंदर यूं चलते रहते हो, फर्स्ट, सेकंड, एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ। तो ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर्स पे बेस करता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिंपली ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक फंक्शन होती हैं, दे आर अ फंक्शन ऑफ, आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यानी आप जो जो एटॉमिक नंबर्स नेक्स्ट प्रोसीड करते जाते हो, लाइक एक हाइड्रोजन हो गया, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ चेंज हो रही होती हैं। लाइक इसे हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर, लाइक ये एक ग्रुप है आपके पास, इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट किसी पैटर्न के साथ चेंज हो रही होंगी, या तो वो सिमिलर होंगी या किसी पैटर्न से चेंज होंगी। इसी तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, ये जो आपके पास, लाइक ये आपके पास एक पीरियड है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर किसी पैटर्न के साथ चेंज हो रही होंगी, एक पीरियोडिक मैनर के अंदर चेंज होंगी। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है ऑन सम रेगुलर पैटर्न या कंटिन्यूस, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रोसीड करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने अभी देखा, इसकी वेरियस स्पेसिफिकेशंस, प्रॉपर्टीज कह लें। सबसे पहली चीज है ग्रुप्स और पीरियड्स। आपको मैं आइडिया तो दे चुका हूँ कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या हैं। हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप्स को अब डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं? एज आई सेड, इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। अगर आप रिकॉल करो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, लास्ट लेक्चर के अंदर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपको डिटेल के अंदर समझाया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैड 8 ग्रुप्स, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 18 ग्रुप्स हैं।
बेसिकली मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये है आपका एक्चुअल मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल था. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपके पास ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एट आपके पास टोटल ग्रुप्स हैं. मेंडलीव जैसे मैंने आपको बताया था ही वॉज अ रशियन, तो इसमें जितनी आपको टर्मिनोलॉजी नज़र आ रही है वो सारी रशियन के अंदर लिखी हुई है, लाइक ग्रुप को ग्रुप पर लिखा हुआ है. तो इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर अगर आप किसी एक कॉलम को देखते हो, लाइक आप सेकेंड ग्रुप को डिटेल में देखते हो, सेकेंड ग्रुप के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, बेरियम एंड देन मरकरी. अगर आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखो तो बेसिकली आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और देन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये आपके पास दो सेपरेट ग्रुप्स के अंदर ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो बेसिकली डिफरेंस जो है वो सिर्फ कुछ ग्रुप्स का है. मेंडलीव ने उन ग्रुप्स को एक ही ग्रुप के अंदर काफ़ी ढेर सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दिया था, जबकि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो डिस्पर्स्ड है. ठीक है, तो इसके अलावा एक और डिफरेंस जो है वो ज़ीरो ग्रुप का है. ज़ीरो ग्रुप जो है, या आप इसको 8A ग्रुप भी कहते हो, इस ग्रुप को आप कहते हो कि ये नोबल गैसेस हैं. ये मेंडलीव के टाइम के अंदर डिस्कवर नहीं हुई हुई थी नोबल गैसेस, या आप इसको रेयर गैसेस कह लो. तो ये जब डिस्कवर हुई उसके बाद ये एडजस्ट हो गई थी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर, इस 8th कॉलम के अंदर, दिस वन. सो हम आगे प्रोसीड करते हैं. जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है इसके ग्रुप्स को हम लोग नेमिंग कन्वेंशन इसकी क्या है, नेमिंग कन्वेंशन, हम ग्रुप्स को 1 2 3 4 एज इन मेंडलीव ने जिस तरह नाम दिया था, हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट नेमिंग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो 2 ग्रुप था, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये 2 ग्रुप जो था ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ है 2A और 2B के अंदर, लाइक दिस. इस वाले ग्रुप को आप कह देते हो दिस इज 2A एंड देन दिस इज 2B. तो बेसिकली ये आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो मेंडलीव के ग्रुप 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट. इसके बाद हम लोग बेसिकली जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो 1A, 2A, 3A अप टिल 8A एंड देन 1B, 2B अप टिल 8B, ये आपके पास टोटल कितने बन जाते हैं, 16. एंड देन आपके पास दरमियान में एक 8B एक ऐसा ग्रुप है जो फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ है. सो आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स बन जाते हैं. ये था तमाम ग्रुप्स के बारे में. इसके बाद है आपके पास पीरियड्स. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं. यहां पे जैसे आप देख सकते हो आपका जो फर्स्ट पीरियड है ये वाला, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम. ठीक है, सेकेंड पीरियड के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेकेंड और थर्ड दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं. तो बेसिकली फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. अब नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स को आप यूं डिफाइन करते हो कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो एस या पी ऑर्बिटल्स के अंदर इनके रिजाइड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, किसी भी एक एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इट इज़ ऑन द थर्ड नंबर. तो इसका एटम कुछ ऐसा होगा देखने में, दिस इज़ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के गिर्द आपका फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर
सेकेंड शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा. सो ये जो आपके पास जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वैलेंस शेल है लिथियम का, ऑफ लिथियम. और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली. ठीक हो गया. अब आपने देख लिया कि फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं और दोनों नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं. सेकंड पीरियड जो आपका है, इसके अंदर आपके पास टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं. इनको हम शॉर्ट पीरियड्स भी कहते हैं. सेकंड और थर्ड पीरियड्स जो हैं, इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं. इसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स. फोर्थ और फिफ्थ जो आपके पास पीरियड्स हैं, इन दोनों पीरियड्स के अंदर आपके पास 18 एलिमेंट्स आते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा दरमियान में एक स्पेस आती है, 18 एलिमेंट्स बोथ. और इन पीरियड्स को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं. ना सिर्फ इन पीरियड्स को, आपके पास जो नेक्स्ट दो पीरियड्स आते हैं, नेक्स्ट दो पीरियड्स कौन से हैं, सिक्स और सेवेंथ पीरियड, जिनके अंदर आपके पास सिक्स पीरियड के अंदर होते हैं 32 एलिमेंट्स, दिस इज अगेन अ लॉन्ग पीरियड. और आपके पास जो सेवेंथ पीरियड है वो स्टिल इनकम्प्लीट है, यानी अभी तक इसमें एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं और वो सेवेंथ पीरियड को फिल कर रहे हैं. आपके पास हर पीरियड में कुछ ना कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल का ये जो दरमियान का हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सब के सब. और ये वाली दो रोज, ये कॉलम्स, आई मीन ये जो दो आपके पास आ रहे हैं, ये फर्स्ट टू यानी 1A 2A एंड 3A 4A 5A 6A 7A अप टिल 8A. 8A क्या थी आपके पास, नोबल गैसेस थी. तो ये सब आपके पास क्या बना रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स. नॉर्मल एलिमेंट्स आप किन्हें कहते हो, ये नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए एक और नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक हो गया. इसके बाद दरमियान में आपके पास आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में, तो ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में इतनी डिटेल्स आपके इस लेवल पे काफ़ी हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल. फैमिलीज, पीरियोडिक टेबल बेसिकली हमने जिस तरह पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है ना मुख्तलिफ पार्ट्स में, हर पार्ट को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है. ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है ना, ये वाला, इनको हम कहते हैं ये है अल्कली मेटल्स. क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स. ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स. अल्कली, एज यू नो, अल्कलीज हम कहते हैं ये बेसिस होती हैं. अल्कलीज आर बेसिस. सो बेसिकली अल्कली मेटल्स हम इस वजह से इन ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये बेस फॉर्मर्स होते हैं. बेस फॉर्मर्स. फॉर एग्जाम्पल आप 1A का कोई भी एलिमेंट लो, 1A में सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. लेट्स से मैं आपको सोडियम का हम रिएक्शन देखते हैं, सोडियम. और अगर आप इसको पानी के अंदर डाल देते हो, सोडियम प्लस वाटर, तो बेसिकली ये एक बेस बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा. आपने कभी लेबोरेटरी के अंदर ये रिएक्शन देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो भी मैंने लिखा है. सोडियम को जब आप पानी के अंदर बेसिकली डालते हो तो एक विगरस रिएक्शन होता है, और इसकी डिटेल्स आप आने वाले चैप्टर में, जब अल्कली मेटल्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे.
ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो रही है ना, हाइड्रोजन गैस ये कंबस्टिबल होती है. सो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक इतना सा जार लिया, उसके अंदर आपने पानी से उसको फिल कर दिया, और जब आप बीच में एक हाइड्रोजन का सोडियम का सॉरी छोटा सा पीस डालते हो, लेट्स से इतने से साइज का, तो ये इतना विगरस रिएक्शन होता है कि ये सोडियम का इसके साथ रिएक्ट करता है और फौरन इस पानी के अंदर आपको आग लगती हुई दिखाई देती है, और ये काफ़ी तेज आग होती है. मतलब इस रिएक्शन को एज एन आप एक्सप्लोजन के साथ एसोसिएट कर सकते हो. ये एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है पानी के अंदर, और काफ़ी देर आपको एक आग दिखाई देती है पानी के इस रीजन के अंदर, और ये फौरन इसके अंदर घूमना शुरू कर देता है और आग लग जाती है पानी के अंदर. सो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये बहुत विगरस रिएक्शंस होते हैं अल्कली मेटल्स के. सो हम फिलहाल बात कर रहे थे अल्कलीज की, और ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. सेकेंड जो आपका ग्रुप है, ग्रुप 2A, इसको हम कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स. बेसिकली अल्कलीन अर्थ मेटल्स इस वजह से बिकॉज ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं ये तमाम एलिमेंट्स. ठीक हो गया. देन हमारे पास फर्दर कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, ये आपका प्रोडक्ट टेबल है. ये दरमियान में जो जितने भी एलिमेंट्स थे 3B से लेके 2B तक, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 1B, 2B, जितने भी B's के साथ आ रहे हैं ये होते हैं आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक हो गया. सो 1B अप टिल 8B, ये आपके पास जितने भी हैं ये सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर फर्दर दो पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाते हैं. आपको इधर नीचे दो रोज नजर आ रही हैं, ये बेसिकली सिक्स और सेवन्थ जो आपकी पीरियड है ना, यहाँ से और यहाँ से आगे, ये आपको लेंथेनम नज़र आ रहे हैं, और देन एक्टिनियम. ये लेंथेनाइड्स हैं जो लेंथेनम को बेसिकली फॉलो करते हैं, और फिर ये एक्टिनाइड्स हैं जो एक्टिनम को फॉलो करते हैं. प्रियोडिक टेबल जो है ना, एक्चुअली ये जो आपको यहाँ पे एक व्यू में नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये कंप्रेस्ड प्रियोडिक टेबल है, शॉर्ट फॉर्म है. जो एक्चुअल प्रियोडिक टेबल है वो काफ़ी डिटेल्ड है, उसमें आपके पास यहाँ पे दरमियान में एक गैप आ जाता है इस रीजन के अंदर, और यहाँ पे आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पहले फिट होते हैं, और देन आपके पास 4B से आगे 2B तक एलिमेंट्स कंटिन्यू होते हैं. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनको एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि इसको पढ़ना सिंपल हो जाए. देन आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर फर्दर ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहलाते हैं. इनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और देन आपके पास होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सिंपली डिवीजन है बेस्ड ऑन इस पार्ट को हम कह देते हैं कि ये इन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. इसके बाद आपके पास ग्रुप 7A आता है. ग्रुप 7A ये जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली हेलोजेंस हैं. ग्रुप 7A, दीज आर हेलोजेंस. हेलोजेंस किन्हें कहते हैं? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और मर्जेंस का मतलब होता है फॉर्मर्स. तो बेसिकली ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं. आप हेलोजन, किसी भी एक हेलोजन की भी बात करते हो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हैं आप इसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराओ. फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट क्लोरीन, और क्लोरीन को आप रिएक्ट करा दो सोडियम के साथ, तो बेसिकली NaCl कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये. ठीक है, तो बेसिकली आप इसको किसी भी अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के साथ आप हेलोजेंस का रिएक्शन करवाओ तो आप सॉल्ट्स बनाते हो. नाउ NaCl इज अ सॉल्ट. ठीक हो गया. तो इस वजह से ग्रुप 7A को हम हेलोजेंस कहते हैं.
हेलोजेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है ग्रुप 8A, जो कि बेसिकली नोबल गैसेस हैं, जिनका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. नोबल गैसेस बाकी तमाम एलिमेंट्स से कैसे मुख्तलिफ हैं? नोबल गैसेस के बेसिकली आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, वो कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इस कैटेगरी के अंदर से नियॉन की बात करते हो, तो नियॉन के एटम, नियॉन का एटम कैसा होगा देखने में? दरमियान में एक न्यूक्लियस होगा, देन आपके पास फर्स्ट शेल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल जिसके अंदर टोटल, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10. सो आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फर्स्ट में आ गए 2 एंड सेकंड के अंदर आपके पास आ जाएंगे 8. तो आप देख सकते हो कि इसके तमाम तमाम जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो फिल कर गए हैं आपके सेकेंड शेल को. अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड शेल के अंदर जाएगा, ठीक है. सो नोबल गैसेस को आप यूँ डिफाइन करते हो कि इनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं. नोबल गैसेस को आप इनर्ट गैसेस भी कहते हो, इनर्ट गैसेस. इनर्ट, इनर्टनेस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिविटी, नॉन रिएक्टिविटी, यानी ये रिएक्ट नहीं करते. तो उसके रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि चूंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो फिल्ड होता है, सो ये रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है. ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के. ये थे आपके पास मुख्तलिफ फैमिलीज जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर थी. इसके बाद आपके पास आते हैं ब्लॉक्स, और फिर आपके पास, अभी आपके पास ब्लॉक्स आएंगे पीरियोडिक टेबल के, और फिर उसके बाद आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और बाकी चीज़ें जितनी भी पीरियोडिक टेबल की डिटेल में रहती हैं, वो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड.